बोले धोती खुल गई। अबे भाई धोती खुल गई, रुक जा मैं मानता हूँ। तो ठीक हूँ टपूंगा पापा। ये थोड़ा काफी हो रहा है, चेंज करते हैं। कैसे बनती है? अरे भाई उधर भाई कॉल भी कट करो यार, वीडियो बनानी है जल्दी करो यार। अस्सलाम वालेकुम, मिराज महफूज के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो कैसे हैं आप लोग? ये थोड़ा काफी हो रहा है, चेंज करते हैं इसको। बहुत तेज हो रहा है। तो क्या हाल है आप लोगों के? ये ठीक है? तो भाई यहाँ पे हम लोग जो है शूट करने वाले हैं, बिहाइंड द सीन आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं, जो कि हम लोग शूटिंग वगैरह करते हैं और किस तरीके से करते हैं, और कैसे जो है उधर भाई तैयार होते हैं, जो कि दया बनते हैं और फिर चंपक लाल बनते हैं। तो अभी ये दया बनने की तैयारी हो रही है इनकी। तो दया कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ टप्पू के पापा। टप्पू के पापा भी ठीक है यहाँ पे, लेकिन अभी टप्पू के पापा जो है गेटअप में आएंगे थोड़े से, और फिर जो है उसके बाद तैयारी करेंगे। पीछे ये जो हमारा सीन है, ये सारी पेंटिंग जो है मैंने बनाई है भाई। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली पेंटिंग जो है बड़ी मेहनत से बनी थी, तकरीबन इसको 3 दिन लगे थे बनाने में। तो ये जो है मेरा सबसे अच्छी जो मेरी अचीवमेंट है वो है ये चीज। तो बाकी चीजें तो बाद में, और बाकी अभी दया तैयार हो रही है, दया तैयार हो जाएगी तो फिर उसके बाद चंपक लाल की एक्टिंग करेगी, और चंपक लाल की एक्टिंग के बाद फिर तैयारी होगी जेठालाल की, जो कि जेठालाल जो है पूरी तैयारी करेगा उसको। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आप सबको वो चीज दिखाते हैं हम, और कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो ये सारी चीजें आप देखते रहें, हमारे साथ रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। अरे भाई उधर भाई कॉल भी कट करो यार, वीडियो बनानी है जल्दी करो यार। तो भाई यहाँ पे जो है सारा गेटअप दया का रेडी हो गया है, और अब दया जो है वो जो है शूटिंग की तैयारी कर रही है और फुल एक्टिंग के लिए तैयार है यहाँ पे। और अभी जैसे कि आप पीछे साउंड सुन रहे होंगे कि दया का जो है साउंड चल रहा है, वो पूरा क्लिप जो है वो देख रही है, और फिर उसके बाद जो है तैयारी करेगी दोबारा दया बनने के लिए। तो ये भाई फुल तैयारी चल रही है हुसैर भाई की। इतने गौर से तुम अगर पढ़ाई पे ध्यान देते थे ना, तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होते थे। गजब बेइज्जती है। सही है भाई, रेडी हो गए हो क्या तुम? रेडी ठीक है, ऐड करें फिर। तो भाई यहाँ पे हुसैर का शूट होने वाला है, तो लाइटें वगैरह जरा साइड कर देते हैं, और दया जो है इसको बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो लाइटें पकड़ने वाली आज हमारी एक वर्कर नहीं आई यार, जिसका हम 20 रुपए, वो 20 रुपए ले दिए हमसे भाई लाइट पकड़ने के, और लाइट को जो है सेटअप करती है वो। तो बड़ी प्यारी बच्ची है वो, अलाया नाम है उसका। तो अभी जो है अभी ये देख रहे हैं, स्टैंड लग चुका है यहाँ पे, और उजैर भाई जो है तैयार बैठे हैं अभी दया की एक्टिंग करने के लिए। चलो भाई उजैर मोबाइल वगैरह लगाओ इधर, और फिर रेडी हो जाओ। तो भाई यहाँ पे जो है दया भाभी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, और जेठालाल आपके सामने है। तो दया भाभी आप बिल्कुल रेडी हैं, शूट करा जाए आपका? तो दया भाभी ने सारे डायलॉग वगैरह याद कर लिए हैं, और अब वो जो है दोबारा शूट के लिए तैयार हो रही हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, लाइट्स कैमरा एक्शन। उधर 3 2 1 प्ले करो भाई। नहीं, हाथ थोड़े बंद नहीं करने, हाथ को थोड़ा सा खोलना है ठीक है, और नीचे रखना है हाथ को ठीक है, इस तरह से। दोबारा से रीटेक करो। थ्री टू वन नहीं, बापू जी को आप गलत देख रहे हो, बापू जी उधर नहीं खड़े होंगे, बापू जी जो है इधर सोफे पे बैठे हुए होंगे सामने ठीक है। तो इस तरफ देख के बोलना सही है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। दोबारा से रीटेक करो। जेठालाल उधर खड़ा हुआ है और बापू जी इधर बैठे हुए ठीक है, रीटेक करो दोबारा। थ्री टू वन एक्ट।
गुड हो गया, गुड हो गया। दूसरा दूसरा एक्ट करो और उसमें चंपक लाल की तैयारी करो। चलो तो भाई जेठा लाल की यहाँ पे वीडियो जो है अभी थोड़ी देर बाद बनेगी, क्योंकि अभी सारा एक्ट लास्ट में होगा जेठा लाल का। और अभी जो है चंपक लाल जी तैयार हो रहे हैं। तो चंपक लाल जी कमीज तो बाहर निकाले, आप धोती भी बांधने नहीं आती आपको यार। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अरे एक मिनट, पहले इसके पजामे ऊपर करो रो अपने, और उसके बाद नहीं नहीं इस तरह नहीं बनेगी ना। पहले एक गिठा लगेगी इसके अंदर, पहले एक गिठा लगाओ उधर। हाँ सही है, पाइन से ऊपर करो ताकि वो लगे भी, क्या धोती पहनी है। अच्छा, और उसके बाद जो है ये धोती खोलो पूरी, धोती इस तरह नहीं बनेगी। धोती में पहले जो एक ये चीज है ना, पहले वाली जो कोना है, इसको दूसरे कोने पर लेके जाके थोड़ा सा घुमा के फिर गिठान मानो, और फिर उसके बाद उसको रोल करो। अरे यार ये देखो, ये जो है ना, ये चीज को इधर लेकर आओ, इधर रखो। अब इसको घुमाओ पूरी, इसको पूरा घुमाओ, और फिर इसके बाद इधर गिठान लगा के ना फिर इसको रोल करना, ठीक है? हाँ ये गिठान ला लो, और फिर इसके बाद इसको रोल करना नीचे से, सही है? और चश्मा वश्मा रख लिया अपना? चश्मा कहा तुम्हारा? मेरा ये चंपक लाल का चश्मा, चंपक लाल, चंपक तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, ये चंपक लाल का उल्टा चश्मा भाई। तो चंपक लाल उल्टा चश्मा लगा लो अपना, जल्दी से तैयार हो जाओ भाई, बहुत सारी वीडियो बनानी है यार। एक धोती नहीं बन गई यार, तुझसे क्या करेगा यार बड़ा होगी। हाँ सही है, कमीज तो बाहर निकाल अपने, और इसके ऊपर टी शर्ट पहनना। अच्छा हाँ टी शर्ट पहन, कुर्ता क्यों पहन ले? बोले धोती खुल गई। अबे भाई धोती खुल गई, रुक जा मैं बांधता हूँ, रुक जा। तो भाई यहाँ पे चंपक चाचा जी की तैयारियां अभी तक खत्म नहीं हो रही हैं। चंपक चाचा जी अभी तक तैयार नहीं हुए हैं यहाँ पे बैठ के, अभी भी ये बालों पे पानी मार रहे हैं, जबकि इनको टोपी पहननी है ये वाली, लेकिन फिर भी इनका बालों का स्टाइल खत्म नहीं हो रहा है। क्यों भाई? जो है ना बस अपने बड़े बालों पे बड़ा घमंड है, ये लो लगाओ, चश्मा पहनो जल्दी से। अच्छा तो लाइट को थोड़ा साइड करते हैं भाई, यहाँ पे जो है ये लाइट को हम रखते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि फेस पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, तो एक लाइट इधर सामने से होगी, एक लाइट उधर से होगी, और एक जो है ऊपर से जो कि रूम की लाइट आ रही है वो रहेगी। तो भाई चंपक चाचा जी तैयार हैं आप? सही है, टोपी वोपी सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है सब कुछ, मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है? यस। दोबारा दोबारा, 3 2 1 एक्शन। क्यों, क्या हुआ? गलत गलत हो गया, एक डायलॉग भूल गया। अरे यार दोबारा, ये चीज मुझे ना सबसे बुरी लगती है इसके अंदर। तो भाई चंपक चाचा जी की यहाँ पे हो गई है शूटिंग पूरी, तो अब करनी है हमने जेठालाल की शूटिंग, जो कि मैं करूँगा जेठालाल का करेक्टर। तो उसके लिए अभी मैं तैयार होता हूँ, जब तक के लिए आप उस के साथ रहिए। गाइस जेठालाल जी एकदम रेडी हो चुके हैं, इनके शूट से रेडी हो गए बिल्कुल, पहले इनका शूट कर रहे हैं मेरे। अच्छा ये थोड़ा सा पेंट निकालना पड़ेगा बाहर के लिए। अब आ रहा है जी, बिल्कुल सेट है बाल, ऐसी है थ्री टू वन एक्शन। Yeah.
खत्म। तो इस तरह जो है हम लोग शूटिंग करते हैं और दया की भी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, चंपक लाल की भी हो गई है, जेठा लाल की भी हो गई है। तो फिर तीनों को जो है कंबाइन करेंगे, साथ में एडिटिंग करेंगे और उसके बाद फिर अपलोड करते हैं। तो ये जो सीन होता है, ये हमारी शूटिंग का जो है सीन होता है, बिहाइंड द सीन आपने देख लिया जिस तरीके से। इसके अलावा हमने तारक मेहता के अलावा जो है वीडियोज़ बना रहे हैं, जो कि एक ड्रामा बना रहे हैं, एक शौहर दो बीवियाँ, तो उसकी 4 एपिसोड अपलोड हो चुकी हैं। तो आप लोगों को देखने के लिए 4 एपिसोड की देखनी लाजमी है, क्योंकि पहली एपिसोड अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा। तो पहली एपिसोड देखना लाजमी है, तो वो आप लोग देखें, उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी एपिसोड देखें। 5वीं एपिसोड पर भी काम कर रहे हैं और फिर उसको भी अपलोड करेंगे, उसकी भी आगे कहानी लिखने की कोशिश पूरी जारी है। तो चंपक चाचा जी, क्या कहना है आपका इस बारे में लोगों से? ज्यादातर लोग जो फैंस है ना वो मेरे नहीं है यार, आपके फैन है। अरे थैंक यू, इतनी खुशी मुझे आज तक। ये है कि हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप लोगों के चेहरे पे हंसी रहे, आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, तो इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि आप लोग हंसें, मुस्कुराएं और हमारी वीडियोस देखें, एंजॉय करें। तो हुजैर भाई जी, क्या बोलोगे आखिरी अल्फाज आपके? कुछ नहीं, बस लाइक कर दें व्लॉग को और ऐसे ही दिखाते रहेंगे हम लोग, शूटिंग करते रहते हैं, वीडियो भी देखेगा, वीडियो भी आएगी हमारी तारक मेहता की। तो भाई इसी तरह हुजैर भाई ने जैसे कहा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। हम लोग अपलोड करेंगे व्लॉग्स और उसके अलावा जो ड्रामे का मैंने आपको बताया उसकी भी एपिसोड आगे अपलोड करेंगे, उसके अलावा फनी क्लिप्स वगैरह भी डालते रहते हैं, तो वो देखते रहें आप लोग। अच्छा, अगली वीडियोस में आपसे होगी मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।